दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप जा सकते हो इंडिया से थाईलैंड बहुत ही चीपेस्ट फ्लाइट बुक करके और कैसे आप थाईलैंड का पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हो। गाइस थाईलैंड एक बहुत ही बजट डेस्टिनेशन है फॉर द इंडियंस, बहुत ही सस्ते तरीके से आप घूम सकते हो, इसलिए इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ए टू जेड सॉल्यूशन आपका थाईलैंड ट्रिप का। तो पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं फ्लाइट के बारे में। गाइस थाईलैंड की तो फ्लाइट इंडिया के बहुत शहर से जाता है, बट फॉर्चुनेटली मेरा जो होम टाउन है दैट इज़ कोलकाता, और कोलकाता से थाईलैंड का टिकट मीन्स फ्लाइट का टिकट होता है बहुत ही सस्ता। सो गाइज मैंने बुक किया था 2.5 महीने पहले कोलकाता टू बैंकॉक का फ्लाइट, और यकीन मानिए मेरा जो फ्लाइट का खर्चा पड़ा दैट इज़ 8400 ओनली इन एयर एशिया। सो गाइज आप भी 2-3 महीने अगर पहले बुक करोगे आपको भी सस्ता मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मीन्स आप खुद के टाइम में प्लान मत नहीं करना है, आपको करना है अकॉर्डिंग टू द ऑफर, मीन्स कभी कभी जो फ्लाइट और जिस एयरक्राफ्ट कंपनी कुछ ऑफर देते हैं उस टाइम में आपको बुक करना है। तो आपको थोड़ा सा क्या बोलूँ, डिफरेंट जो वेबसाइट्स है लाइक स्काई स्कैनर, वीगो, makemytrip.com, ये सब जो फ्लाइट बुकिंग कंपनी है उन लोगों का जो वेबसाइट में जाकर आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, तो वो लोग ही आपको नोटिफिकेशन में आपको भेज देगा इस टाइम के अंदर आपका थोड़ा सा फ्लाइट का खर्चा आपको कम आ रहा है। तो सोचिए आपका मिस 4200 में आप पहुंच सकते हो कोलकाता टू बैंकॉक। तो गाइज मेरा फ्लाइट का टाइम था 12:40 सो मैं 3 घंटे पहले पहुँच गया था कोलकाता एयरपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट में जस्ट लाइक पहले फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार, उसके बाद एज यूजुअल बोर्डिंग। यकीन मानिए बोर्डिंग के टाइम में आई फील डैम एक्साइटेड, और मेरा एयर एशिया का जो फ्लाइट दैट स्टार्टेड अराउंड 12:40 और कुछ ही घंटे के अंदर मैं पहुंच गया थाईलैंड का बैंकॉक शहर। इट वॉज अराउंड मॉर्निंग इन थाईलैंड, तो टाइम एग्जैक्टली मुझको पता नहीं था कितने बजे मैं पहुंचा था, बट इट वॉज लाइक दैट। बट मेरा डेस्टिनेशन बैंकॉक नहीं था, लोग थाईलैंड में जाकर बैंकॉक में ही घूमते हैं, बट मेरा डेस्टिनेशन पहले बैंकॉक नहीं था, मैं बैंकॉक लास्ट में घूमना चाहता हूँ। तो मेरा जो पहला डेस्टिनेशन है दैट इज़ द फुकेट बंगला रोड पतोंग, ये जो एक बहुत ही फेमस शहर है थाईलैंड का, आपने तो सुना ही होगा फुकेट का नाम, पतोंग का नाम, पतोंग बीच, बंगला रोड का नाम ये जगह। तो गाइज आप कैसे जा सकते हो बैंकॉक से फुकेट शहर, तो चलिए वो भी आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली दो तरीके से आप जा सकते हो, आइदर यू कैन टेक द बस, आप बस से जा सकते हो, और आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, बट फ्लाइट बुक करने से ही आपको बेहतर है, क्योंकि बैंकॉक से फुकेट जाने का जो फ्लाइट का फेयर बहुत ही सस्ता पड़ता है। गाइज मेरा तो भाड़ा पड़ा सिर्फ 1500, बट आपका किस्मत अगर ठीक रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो आप 1200-1300 में भी आपका फ्लाइट मिल जाएगा। तो देखो एक दिन पूरा जर्नी करने के बाद आप पहुँच सकते हो फुकेट बाई बस। सो भाई बस का भी फेयर पड़ जाता है 600-650, तो कोई मतलब नहीं बनता है आपको जो पूरा एक दिन का पूरा वेस्ट कर दो 1000 रुपये के लिए। तो मैंने एक वाइज डिसीजन लिया, टाइम को प्रायोरिटी दिया, डेढ़ घंटे के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा फुकेट, तो इसीलिए मैंने फ्लाइट से ही जाना ज़्यादा पसंद किया। तो मेरा 2.5 से 3 घंटे का एक गैप पीरियड था, मीन्स एयर एशिया का ही फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट। तो 2-2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद मेरा दूसरा जो फ्लाइट बैंकॉक से कनेक्टेड फुकेट, उसमें मैंने बोर्डिंग करने के बाद मैं सुबह 10:30-11 बजे पहुंच गया एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर जिसका नाम है गाइस फुकेट। एंड ट्रस्ट मी, फुकेट आने के बाद जो पहला एक्सपीरियंस मेरा हुआ इस रियली एक क्या बोलूँ, एक बहुत ही खास, एक बहुत इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फुकेट में एयरपोर्ट में लैंड करने से पहले मीन्स ऊपर से ही फ्लाइट के ऊपर से ही आपको अगर आपको किस्मत अच्छा लगा कर आप विंडो सीट आपको बुक कर सकते हो, तो आपको विंडो से ही दिखाई देगा एक बहुत ही प्यारा सा आइलैंड का व्यू, चारों तरफ आइलैंड्स है, एक बहुत ही बेटर एक ऑसम लैंडस्केप वाला व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कोलकाता से थाईलैंड में पहुंच गया 4200 में, और बैंकॉक से मैं फुकेट पहुंच गया सिर्फ 1500 रुपये में। तो है ना दोस्तों ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रिप। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग मोड, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बोलने जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कैसे आप
फुकेट एयरपोर्ट से आप पहुंच सकते हो पतोंग शहर, पतोंग बांग्ला रोड। तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।